एक तरफ है ओलिवा जिसका मसल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो कि हेलीकॉप्टर को खींच के ट्रेनिंग करता है, और एक तरफ है हानायामा जो कि यूजरो की तरह पैदाइशी स्ट्रांग है और जिसका ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये दो मॉन्स्टर लाइक ह्यूमंस बाकी यूनिवर्स के टैंक्स है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज ले सकते हैं और ऑल्सो बहुत ज्यादा डैमेज सामने वाले को दे भी सकते है। ओलिवा वर्सेस हानायामा के लिए मैंने एक पोल भी डाला था जिसमे ज्यादातर लोगों ने हानायामा को वोट किया था। मैंने अपने हानायामा के एनाटॉमी वाले वीडियो में बताया था कि हानायामा ओलिवा को नहीं हरा पाएगा, पर मैंने बाद में रिसर्च करके देखा कि जितना सिंपल ये लगता है उतना सिंपल है नहीं, और इसलिए इस वीडियो में हम इनकी पावर्स की बात करेंगे ना कि बैक स्टोरी की। अगर आपको इनकी बैक स्टोरी देखना है तो मैं आपको इनकी एनाटॉमी वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज की वीडियो में हम बिस्किट ओलिवा वर्सेस कारो हानायामा का कंपैरिजन करेंगे कि कौन है स्ट्रांग। तो सबसे पहले बात करते हैं बिस्किट ओलिवा के बारे में। बिस्किट ओलिवा को यूएसए का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन नाम से जाना जाता है। ओलिवा का बॉडी बहुत हार्ड है एंड बहुत थिक है जिस पर किसी शॉटगन के बुलेट्स का भी असर नहीं होता। ओलिवा ने बाकी को बहुत सारे दीवारों से फेंका था, ऑल्सो उसको बहुत बुरा पहला था। आई नो एंड में जाके ओलिवा हार जाता है बाकी से, पर बाकी को अपने डीमन वैक यूज करना पड़ा था ओलिवा को हराने के लिए। मतलब आप समझ ही सकते हो, ओलिवा ने बाकी को डीमन वैक यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था। ओलिवा ने राइट एड टूर्नामेंट में राहुल को हराया था, अरे वही आदमी जो पॉकेट मारता है, आई मीन अपने पॉकेट से हाथ निकाल के मार कर वापस पॉकेट में डाल लेता है। इसके जवाब में ओलिवा ने अपने अनरिवेंड में पॉकेट इमेजिन किया था। लॉल क्वीवर को तो आप जानते ही होंगे जो की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने ओलिवा के सीरियस पंच को सर्वाइव किया है। आखिर वो सीरियस पंच कितना स्ट्रॉन्ग था, हमें एनिमे में बताया गया था कि ओलिवा की सीरियस पंच से सारे सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम हो गया था। मतलब इस पंच का इफेक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल तक पड़ा था। अगर टेक्निक्स की बात करें तो ओलिवा के पास ज्यादा टेक्निक्स नहीं है, वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही पूरा निर्भर रहता है। पर हाँ, उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसकी वजह से वो एक बॉल बन जाता है और अपने ओपोनेंट्स को अपने अंदर समेट लेता है और उनको वन शॉट कर देता है। ओलिवा ने ये मूव बाकी पर भी यूज किया था जिससे बाकी लगभग हार गया था। ओलिवा पर शॉटगन का भी कोई असर नहीं होता, ओलिवा के मसल्स इतने ज्यादा डेंस है कि आराम से वो बुलेट्स को भी सह ले। पर हाँ, बुलेट्स की वजह से ओलिवा का थोड़ा खून निकला था, पर इससे ओलिवा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बहुत लोगों का मानना है कि बिस्किट ओलिवा पिकल को भी हरा सकता है। वैसे इनका फाइट अगर कभी होता है तो ये देखने में बहुत मजा आएगा, पर अगर आपको जानना है कि ओलिवा वर्सेस पिकल का फाइट अगर होता तो क्या होता, आई मीन कौन जीतता, तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूजरो हानायामा का एक पंच किसी को भी हरा सकता है, पर बिस्किट ओलिवा ने ये पंच भी सहा था और ऑल्सो ये पंच सीधा उसके मुंह पर पड़ा था। बाकी के सन ऑफ ओगर आर्क के बाद बिस्किट ओलिवा का डाउनफॉल शुरू हुआ था, क्योंकि बाकी नो में हमें बिस्किट का कोई फाइट देखने को नहीं मिला था, पर वहाँ हमने बिस्किट ओलिवा को एक बार फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखा था। पर बाकी 2018 में हमें बिस्किट ओलिवा वर्सेस सुकुने का फाइट देखने को मिला था। ओलिवा ने सुकुने को कम समझा था, आई मीन ओलिवा ने सुकुने का मजाक उड़ाया था, जबकि हम जानते हैं कि सुकुने कितना खतरनाक है। जब सुकुने और ओलिवा का लड़ाई हुआ था तब सुकुने ने अपने पावर से ओलिवा का बैकबोन तोड़ दिया था जो कि काफी पेनफुल था, और इससे ओलिवा बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। और बाद में ओलिवा एंड सुकुने का रीमैच हुआ था जहां ओलिवा ने सुकुने को फेल कर रख दिया था। मतलब बिस्किट ओलिवा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा है, और यही है हमारे रिसेंट का सबसे पावरफुल बिस्किट ओलिवा। भले ही अभी बिस्किट ओलिवा बाकी में सबसे ताकतवर नहीं है, पर वो टॉप 10 में डेफिनेटली आता है। अब बात करते हैं कारो हानायामा की। हानायामा ने 50 लोगों को अकेले 30 मिनट में हराया था। जब मुसासी हानायामा से लड़ने वाले थे तब उन्होंने हानायामा को देखकर कहा था वाइल्ड, मतलब कुछ भी नहीं, जबकि उन्होंने यूजरो को देखकर कहा था गोल्ड जो कि आसमान को छू रहा है, और मुसासी ने पिकल को देखकर भी गोल्ड ही कहा था। आई नो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर मुसासी के कहने का मतलब क्या है, तो छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट, मुसासी एक ऐसे आदमी है जिनको की बस फेम चाहिए और वो सबसे पॉपुलर बनना चाहते है, क्योंकि अपने समय में उनको बहुत फेम मिला था एंड ऑल्सो बहुत सोना और महिलाएं भी मिले थे, और जब एक्सपेरिमेंट की मदद से उनको इस वर्ल्ड में लाया गया तब उनको यहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए वो एक बार फिर से पॉपुलर बनना चाहते थे। और इसलिए जब मुसासी ने पिकल और यूजरो को देखा तब उन्हें सोना दिख रहा था, मतलब अगर वो यूजरो या फिर पिकल को हराते हैं तो ये न्यूज हर जगह फैलेगा और वो वापस पॉपुलर बन जाएंगे। जैसे कि मुसासी ने शिबुगावा को देखा था और कहा था कि उन्हें सुंदर फूलों का गार्डन दिख रहा है, मतलब वो शिबुगावा को इजिली हरा सकते हैं। अगर और डिटेल में जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा बाकी डो का मांगा सीरीज जो कि मैं अपने मांगा चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पर जब मुसासी ने हानायामा को देखा तब उन्हें बस सफेद कलर दिखा, इसका मतलब आखिर था क्या? मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि हानायामा बाकी फाइटर्स से अलग है, और ये सच भी है। जहाँ बाकी सारे फाइटर्स अटैक को डॉच करने की कोशिश करते हैं, वही हानायामा सीधा सीधा उन अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है, और ऑल्सो हानायामा को टेक्निक भी नहीं जानता। यूजरो ने भी कहा था कि हानायामा पैदा ऐसी ताकत पड़े बिल्कुल उसकी तरह, पर भले ही बाकी सीरीज में हमने देखा था कि हानायामा यंग बाकी से हार जाता है, ऑफकोर्स उस समय वो भी यंग था, उसके बाद हानायामा कार्ड समय से भी हार जाता है, पर अचानक उसको एक ह्यूज बफ मिलता है एंड वो बन जाता है बाकी सीरीज में सबसे ज्यादा बैडएस कैरेक्टर। हानायामा अपने ग्रिप स्ट्रेंथ की मदद से
पूरे काट के एक बंडल को तोड़ सकता है। ऑल्सो हानायामा ने एक बड़े से सर्क को भी पेला था। आई मीन ये सर्क कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। जब हानायामा का लड़ाई पिकल के साथ हुआ था तब हानायामा ने पिकल को भी रोक दिया था और पिकल ने इमेजिन किया था कि हानायामा का स्ट्रेंथ ट्राइसेरोटॉप्स के बराबर है और ट्राइसेरोटॉप्स का वेट 6 से लेकर 12,000 किलोग्राम तक होता है। हानायामा ने अपने स्पंज से मुसासी को भी हवा में उड़ा दिया था और ऑल्सो हानायामा ने स्पेक को भी हवा में उड़ा दिया था जिसका वेट 155 किलो है और पूरे बाकी दो मांगा में हानायामा ही एक ऐसा लौता बंदा था जिसने लगभग मुसासी को हरा दिया था। वैसे यूजरों को इसमें इंक्लूड मत करना। बहुत लोग सोचते हैं कि हानायामा ट्रेनिंग नहीं करता पर ये सच नहीं है। यूजरों ने कहा था कि हानायामा भी ट्रेनिंग करता है और हाँ हमने हानायामा को ट्रेनिंग करते हुए देखा भी है। हानायामा बस एक ही चीज में ओलिवा से पीछे वो है उसकी स्पीड। हानायामा किसी भी हमले को डॉज नहीं करता। हानायामा ने मुसासी के सारे हमले झेले थे पर ये ड्यूरेबिलिटी है ना कि स्पीड। आई नो हानायामा ने अपने अर्ली ईयर्स में बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है बट स्टिल हम हानायामा का स्पीड कम्पेयर कर रहे हैं बाकी जैसे कैरेक्टर से ना कि नॉर्मल पीपल से। इसलिए हानायामा को यह डिसएडवांटेज मिलता है पर हानायामा का स्ट्रेंथ को मत भूलना। हानायामा ने अपने स्ट्रेंथ से मुसासी को घुटनों पर ला दिया था जबकि मुसासी ने पिकल को स्ट्रेंथ में मैच कर लिया था। हानायामा पे गन के बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। हानायामा स्नाइपर शॉट्स को भी झेल सकता है और ऑल्सो हानायामा के सर पर भी एक स्नाइपर का शॉट लगा था पर स्टिल हानायामा खड़ा था। अब आते हैं कंक्लूजन में। मुझे लगता है कि ये मैच हानायामा और बिस्किट ओलिवा दोनों ही जीत सकते हैं। अगर ओलिवा अपने दिमाग और अपने स्पीड का यूज करे तो वो डेफिनेटली जीतेगा पर हानायामा की ग्रिप स्ट्रेंथ ओलिवा से बहुत ज्यादा है तो हानायामा भी ओलिवा को हरा सकता है। आप बताना अपनी राय कमेंट में कि आपको क्या लगता है अगर इन दोनों का कभी लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।